और चलिए अब बात करते हैं, राज्यसभा में दिखा ट्रेलर और एमएलसी की अब बात करते हैं, उसे पिक्चर दिखने वाली है। राज्यसभा चुनाव में एसपी के बागियों ने बीजेपी का काम आसान कर दिया है और बीजेपी का 8वां उम्मीदवार जीत गया। एसपी के साथ बागियों ने क्रॉस वोटिंग की। राज्यसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने एसपी के साथ बागियों को तोहफा देने की तैयारी भी की है, तो अखिलेश यादव आज बागियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में सपा के कुनबे में फूट दिखी, वो आगे भी इस तरह से जारी रहेगी? सपा के सामने क्या चुनौतियां होंगी, ये आपको बताएंगे। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। यूपी राज्यसभा में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनावों से पहले शानदार नतीजों से पार्टी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। दमदार जीत पर लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी समर्थकों ने जीत पर खुशी जाहिर की। आरपीएन सिंह की जीत पर गृह नगर पडरौना में समर्थकों ने पटाखा फोड़कर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। लखनऊ में आरपीएन सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में लोगों को डराया धमकाया जाता था। जनता पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दे रही है कि प्रधानमंत्री जी तीसरे बार मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने और विकसित भारत का जो उन्हें सपना देखा है वो हकीकत में बने। 8 में से 8 इधर जीते हैं, संकेत है कि 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं गाजीपुर में संगीता बलवंत के राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर उनके समर्थक बेहद खुश दिखाई दिए। समर्थकों ने यहाँ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। और चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, तारिक खान है, प्रवक्ता सपा के हैं, राजीव रंजन राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, और विचार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रुख करते हैं यहाँ सपा का, तारिक खान का। तारिक जी, फूट पड़ती नजर आ रही है और अब जो तस्वीर है, आगे लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर एमएलसी चुनाव की बात करें, क्या कहा जाए, कहाँ कमी रह गई है? सूरज ढला जो साए की सूरत बदल गई, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। तो इन विधायकों की जरूरत बदल गई है। हमारे सामने घोसी अभी का उदाहरण है ऐसे लोगों के लिए कि दारा सिंह चौहान को जनता ने करारा जवाब दिया, वापस सीट वो हार गए। पहले उधर थे, फिर इधर आए और फिर उधर गए और वहां उपचुनाव हुआ और ओपी राजभर ने और इन्होंने कहा कि जेब में रखी हुई है सीट नीचे गिर गई, समाजवादी पार्टी को जनता ने वापस कर दी। ऐसे ढोंगी, पाखंडी, ऐसे फरेबी लोगों का जवाब जनता देगी। इनके खिलाफ एक्शन होगा, इनकी सदस्यता भी जानी चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ अपनी पार्टी से जल्द इनकी सदस्यता रद्द हो, अगर इनके अंदर जरा भी गैरत थी। लेकिन आपके सारे सहयोगी क्यों नाराज चल रहे हैं? पीडीए की बात आ रही थी, कल पल्लवी पटेल भी बहुत खुश नजर नहीं आ रही थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैंने पीडीए को वोट किया है और बहुत दिनों से ऐसी इतनी ज्यादा जी। इसको नाराजगी नहीं, इसको डील कहते हैं। अभी 10 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं, विधानसभा में अभय सिंह कह रहे थे कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी ठाकुर को नहीं रखा आपने, और सारे राकेश, चाहे पूजा पाल हो, चाहे पांडे हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, सभी विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रहे थे। तो क्या हो गया हृदय परिवर्तन? यहाँ तो डील हुई है, किसी को लोकसभा, किसी के कुछ जो मुकदमे थे उसको कम करने की बात हुई है, किसी को लोकसभा देने की बात हुई है। ठीक है, चलिए एसएन सिंह जी, क्या वाकई डील हुई है? डील हुई है, रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है एमएलसी चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में? दीपाली जी, क्या है, मनुष्य जब घमंडी हो जाता है वो समझ नहीं पाता है, उसको लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। दावत राम गोसाई और नाचत सब मरकट की नाई, देखिए सब ये भगवान की कृपा से हो रहा है। और जब समाजवादी पार्टी में, जब समाजवादी के एक अहंकारी व्यक्ति के हाथ में कमान जाती है, जब वो भगवान राम के मंदिर जाने के लिए लोगों को रोकेंगे, तो भगवान राम के लिए तो विभीषण अपने भाई को छोड़ दिया, कोई अपने पिता को छोड़ दिया, कोई समाज को छोड़ दिया, भगवान राम को तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो निश्चित तौर पे लोग ऐसी विचारधारा को अपनाते हैं और समाजवादी पार्टी की कुरीति वाली विचारधारा को लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए, आज राज्यसभा की जो जीत है वो ये दर्शा रही है कि विपक्ष की नाव डूब रही है और संसार का ये नियम है। लेकिन एसएन सिंह जी, क्यों आप पे आरोप लग रहे हैं कि डील हुई है? ये खबर क्यों आ रही है कि एमएलसी में रिटर्न गिफ्ट मिल सकता है या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर भी, जिन्होंने मनोज पांडे ने जिन्होंने कल इस्तीफा दिया उन्हें आप प्रत्याशी बना सकते हैं, ऐसी खबरें क्यों आ रही है? क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है
राम के नाम पर क्या एक साथ इतने सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे? दीपाली जी देखिए, मैं कह रहा हूं इस देश की जितनी पार्टियां बनी हुई हैं वो सब कांग्रेस से निकल कर बनी हुई हैं। जब कांग्रेस देश विरोधी कार्य करने लगी तो टीएमसी का जन्म हो जाता है, एनसीपी उसके भ्रष्टाचार के विरोध में जन्म ले लेती है, आम आदमी पार्टी ही बनती है कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में। इसी तरह से समाजवादी पार्टी जो लोहिया जी की विचारधारा पर कभी चलती थी, जब वो पीडीए बन गई, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई, समाज के लिए कोई कार्य नहीं की, जब प्रदेश में उसकी सरकार रही, दंगे कराने का कार्य की, हत्या। ठीक है, लौटेंगे आपके पास अशोक सिंह जी। राजीव रंजन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। राजीव जी कैसे देख रहे हैं ये पूरा समीकरण? आप चाहिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन आप सबके जुबान पार्टी से टूटे हैं वो निश्चित तौर पर। ठीक है राजीव जी, लौटेंगे आपके पास क्योंकि आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। जरा विशाल का रुख करते, विशाल आप सवाल करना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, सपा से सवाल जो प्रवक्ता हैं उनसे सवाल पूछते हैं। एक्चुअली में देखिए, एक बड़ा जो आरोप है वो सभी विधायकों ने एक साथ लगाया कि अखिलेश यादव जी मुलाकात नहीं करते थे, अखिलेश यादव जी से जो कोई बात होती थी उस पर स्टैंड नहीं लेते थे। राकेश प्रताप सिंह की बात मैं करता हूँ, राकेश प्रताप सिंह का ये आरोप था कि जब उनका गौरीगंज में झगड़ा हुआ तब वो एक बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तरफ से ये फ़ोन करके नहीं आया कि ये सियासी रंग दिया जा रहा है, हम आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है। दूसरा, जब वो लखनऊ में प्रदर्शन करते रहे, यहाँ पर धरना देते रहे, भूख हड़ताल पर बैठे, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ना एक फ़ोन आया ना ही वो कोई मिलने आया, जबकि उनके जो सोशल मीडिया हैंडल को गिरफ्तार किया था तो वो डीजीपी मुख्यालय पहुंच जाते हैं। दूसरा, अभय सिंह की जो बात है, अभय सिंह बार बार ये कह रहे थे कि जब लॉरेंस का मामला हुआ था, लॉरेंस बिश्नोई वाला, उस वक्त सरकार ने हमारी मदद की और सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई के जो जो शूटर्स थे उनको पकड़वाया, हमारी मदद की, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई एक ऐसा नहीं कहा कि नहीं पार्टी आपके साथ है, आप परेशान मत हो। पूजा पाल ने भी तारीफ की, कुछ इसी तरह की स्थिति थी। और मैं एक चीज में खत्म कर देता हूँ बात, मनोज पांडे का ये आरोप रहा कि लगातार मैं इस बात को कहता रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाया जाए। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद इस्तीफा दिया, ना कि पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई। जवाब लेते तारिक खान जी, जवाब दीजिए। में ब्राह्मण नेताओं में माता प्रसाद पांडे के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा इज्जत मिली तो ये मनोज पांडे थे। मिलने की बात है तो ये जब जाते थे तो अखिलेश जी के कमरे में डायरेक्ट चले जाते थे, ये सब मेरी आंख को देखी हुई चीजें हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूजा पाल को जब बीएसपी ने निकाल दिया 2018 में तो बीजेपी ले नहीं रही थी, वो समाजवादी पार्टी है जिन्होंने उनकी उस जो सिंपैथी की धारा पे वो बैठना चाहती थी उसको और आगे बढ़ाया, उसको दिशा दी। तो इन लोगों के जो आरोप है वो इसलिए नहीं सेटिस्फाई होते कि अभी 10 दिन पहले अभय सिंह बीजेपी के ऊपर बिल्कुल सवाल पूछ रहे थे कि राम मंदिर ट्रस्ट में कोई ठाकुर क्यों नहीं है। तो ये सब बातें अगर थी तो 10 दिन पहले आ जाती, चुनाव ही में आनी थी। तो संजय सेठ के जो डील हुई है, क्योंकि वो तो सेठ है, नामी के आगे सेठ लगा हुआ है, तो सेठ ने ढेर सारा पैकेट दिया है, ये उस वजह से डील हो रही है। किसी के पास पैकेट पहुंचा, किसी के पास लोकसभा का टिकट पहुंचा, और अभी आपने बताया कि उनके किसी के खिलाफ मुकदमे थे उसमें नहीं। अरे सबसे 12 से जब आप तमाम मुकदमे थे तब से समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी रही है। एक सवाल मेरा है, देखिए मेरा एक सवाल है, आप जिस संजय सेठ पर आरोप लगा रहे हैं वो आप ही के पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, आपने ही सबसे पहले राज्यसभा भेजा, तो अब आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है डील कर ली है? सबसे पहले तो आपने शुरुआत की ना, संजय सेठ को आप लेकर आए, कोषाध्यक्ष आपने बनाया, आपने राज्यसभा भेजा। इसका भी जवाब देता हूँ। एक बात बताइए, बहुत से लोग इधर से उधर गए, ऐसे तो डिप्टी सीएम के ऊपर 50 सवाल उठेंगे क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं। अब अभी करंट की सिचुएशन क्या है, वो कहां पर है और क्या डील हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आप जरा अशोक सिंह से भी जवाब। तकलीफ थी तो 5 दिन पहले तक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में बगल में बैठते थे। अशोक सिंह जी से जवाब लेते हैं। ठीक है तारिक जी, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि समय कम है, सबसे जवाब ले लेते हैं जरा। एस एस सिंह जी, क्यों जरूरत पड़ रही है आपको सेंधमारी करने की? नहीं होता, मैंने बहुत आपको अच्छे तरीके से समझाया कि देश की बहुत सारी पार्टियां जब किसी पार्टी में उनको नहीं अच्छा लगता, उसकी विचारधारा चेंज होने लगती है तो वो दूसरी पार्टी भी बना लेती है। भारत में बहुत सारी पार्टियां, मैं तो समाजवादी पार्टी का 10 सेकंड में चरित्र चित्रण करूंगा। समाजवादी पार्टी में आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना था, चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन बंदूक के नाल के बल पर
एसएलसी जी ये बताइए क्या रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है, क्या हम देख सकते हैं कुछ दिन बाद ये देखने को मिलेगा, ये जो सात लोग बागी हुए इन्हें कुछ ना कुछ कोई ना कोई पद मिलेगा? पारी जी देखिए, राजनीति में हर आदमी अपना नफा नुकसान देखकर कहीं जाता है और आता है, और भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी पे कभी आरोप लगता था कि ये फला जाति की पार्टी, फला धर्म की पार्टी है, लेकिन हमने विश्वास पैदा किया कि नहीं, हम सबके लिए कार्य करते हैं, सबकी खुशहाली के लिए कार्य करते हैं, प्रदेश की समृद्धि के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। अगर हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को, हमारे विकास की भावनाओं को अपनाते हुए कोई हमारे चलिए ठीक है, क्योंकि समय कम है, इसे राजीव जी के पास भी जरा रुक कर रहे थे। राजीव जी, हाँ, आप बता रहे थे समीकरण के बारे में। राजीव रंजन जी, तो लगता है उनसे बातचीत नहीं हो। हाँ ठीक है जी, बोलिए बोलिए। आवाज मिल रही थी? जी जी बिल्कुल मिल रही है, आप बोलिए। अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा था कि जी मैं ये कह रहा था कि राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है। निश्चित तौर पर इनको कोई ना कोई संभावना भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। अब उन संभावनाओं में क्या पसंद है क्या नहीं, मैं नहीं जानता। हमारे साथ तो व्यक्तिगत जानकारी है कि मनोज पांडे को रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है। हालांकि रायबरेली की सीट उनके लिए इतने सुरक्षित नहीं कि जीत ही जाएंगे, लेकिन एक लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी संभावना है। यही हाल रितेश पांडे जी के पिताजी जो वहां से अलग हुए हैं, तो सारे लोगों को कोई ना कोई लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा ऐसा उनको लगता है। अच्छा, अब इसमें कोई दबाव है? ठीक है राजीव जी, आपकी आवाज भी अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, समय भी बहुत कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया विशाल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि आगे अब क्या पिक्चर देखने को मिलती है, क्योंकि एमएलसी चुनाव नजदीक है और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो ये जो बागी विधायक थे ये इनको क्या रिटर्न गिफ्ट मिलता है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा।